प्रदेश से। मिर्जापुर एहरौना थाना क्षेत्र के इमिलिया चिट्टी पुलिस चौकी के कुछ दूरी पर स्थित जरगो जलाशय में अज्ञात युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शक है हत्या के बाद शव को फेंका गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको बता दें, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है महिला की हत्या है या आत्महत्या है, यह जाँच का विषय बना हुआ है। सुबह आए थे यहाँ पे गाँव के लड़के और आए थे यहाँ पे, बीच में मर्डर हुआ था सर, रास्ते के नहर के इस पार जो छोटा नहर है ना, वहाँ पे उसके यहाँ हुआ था मतलब मर्डर। और उसके बाद वहाँ से घसीट कर लाया गया था लाश को, बुरी तरह जख्मी, मतलब चाकू भी मारा गया है गाल पे सर, और जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है। और यहाँ पे हमारे जरगो डैम पर सर साल भर में लगभग इस तरह से घटना होती जा रही है। और जो बंधा पे है सर, उन लोगों का ड्यूटी यहाँ पे रात में अगर एक बार भी अगर रात को यहाँ पे घुमा दिया जाए तो शायद संभावना खत्म हो जाए। और यहाँ लगभग 6 बजे कुछ लड़के बांध से घूमते हुए घर पे हमारे गए हैं और बताए हैं कि हम लोग टहलने के लिए गए थे तो किसी औरत की लाश जो है जरगो डैम में पड़ी है। हम लोग तमाम गांव के लोग इकट्ठा होकर यहाँ पे आए। मौके पर आने पर देखा गया कि जरगो डैम पर जो है उस पर उसको मारा गया है और घसीटते हुए लाश को अंदर पानी तक ले जाया गया है। उसके सर पर जब एसओ साहब आए हैं, चौकी इंचार्ज साहब आए हैं तो उन्होंने सूचना देने पर और लाश को बाहर निकाला गया है तो उसके सर पर कम से कम 200 चाकू के निशान है, चाकू मारा गया है। और दो वर्षों से लगातार यह तीसरी चौथी घटना है। हमारा जरगो डैम जो कि एकदम सुरक्षित था, तमाम बाहर के लोग घूमने के लिए आते थे, लेकिन लगातार यह दूसरी तीसरी घटना है। एक और हत्या हुई थी जिसमें उसको विक्षिप्त तो बताया गया था और एक विकलांग बताया गया था। यहाँ जो है अंधेरे में लोग बाहर से ला कर इसको फेंक देते हैं और यह शोचनीय विषय है, चिंतनीय विषय है। जैसा कि पर्यटक स्थल यह जरगो डैम बड़ा ही मनोरम जगह है, यहाँ कभी कोई घटना नहीं होती थी। मिर्जापुर से वसीम खान की रिपोर्ट, आप देखते रहे वॉइस ऑफ इंडिया।